स्वागत है आप सबका इंडियन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 63 के अंदर। मुकाबला है यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स बना मुंबई इंडियंस के बीच में, जो खेला जाएगा एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ पे। मैच टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे। फिर से आपको यहाँ पे बड़ा ही रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो IPL है ना, ये जस्ट खत्म होने को आया है। इट्स अ बिजनेस एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट, तो आप देखो यहाँ पे हर टीम चाहेगी टॉप 4 में जगह बना ले। तो पॉइंट्स टेबल का रुख करते हैं यहाँ पर। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए, एक हल्की सी चूक आपको यहाँ पे टॉप 4 से बाहर कर देती है। तो आप देखो यहाँ पे मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान के ऊपर है, इस टीम ने 12 मैच खेला, एडवांटेज है। कई टीम्स ने 13 मैच खेल लिए हैं, जैसे आप देखते हो चेन्नई, राजस्थान रॉयल्स लगभग बाहर हो चुकी है, KKR ने 13 मैच खेल लिए। तो आप देखते हो यहाँ पर इनके पास एडवांटेज है मुंबई और लखनऊ के पास। इन्होंने 12 मैच खेला है, मुंबई की टीम ने 7 मैच जीता है, 5 मैच हारा है, और भाई साहब इनका नेट रन रेट थोड़ा सा खराब है। ये बेटर हो सकता है अगर इनके बॉलर्स अच्छा परफॉर्मेंस दे तो। LSG की बात करें तो इस टीम ने 12 मैच खेला है, 6 मैच जीता है और 5 मैच हारा है। बस इनको एडवांटेज क्या मिलता है एक पॉइंट का, एक मैच इनका अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स इस वेन्यू के ऊपर ही अबॉन्डेंट हो गया था बारिश के कारण। तो अब देखो यहाँ पे ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेशली लखनऊ के लिए। अगर यहाँ पर जीतते हैं ना तो इनके क्वालिफाई होने के चांस बढ़ जाएंगे, हारते हैं तो फिर इनको दूसरी टीमों के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो आप खुद देखो यहाँ पे, एक तरफ आपको कुणाल पांड्या दिखता है जो मुंबई इंडियंस के एक्स प्लेयर है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर खेला करते थे, अब खुद यहाँ पे कैप्टन है। तो बहुत ही बढ़िया गेम देखने को मिलने वाला है, और ये लास्ट होम गेम है एट एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। मैंने हमेशा कहा है जब भी होम ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं ना IPL के अंदर, वो भाई साहब अलग ही मैचेस हो रहे हैं एकदम। होम टीम को एडवांटेज मिलता ही नहीं होम कंडीशंस का इस सीजन के अंदर। पिछले मैच जयपुर पे देख लो, चेन्नई पे देख लो, वहाँ पे कोलकाता ने हराया। तो इस सीजन के अंदर होम ग्राउंड इज ए हॉरर ग्राउंड, ये देखने को मिला है। तो लेट्स सी इस गेम में क्या होता है। एकना क्रिकेट स्टेडियम की पिच आप जानते हो स्लो ट्रैक होता है, स्पिनर्स गेम में आते हैं, तो टीम कैसे बनानी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो अंत तक वीडियो देखना। अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, क्या फ़ायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है यूट्यूब के ऊपर अपडेट देना मुश्किल हो जाता है, तो कहाँ पे दूंगा, टेलीग्राम पे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे साइड के अंदर मैं पिच की फोटोज दे देता हूँ, डायमेंशन दे देता हूँ यहाँ पे, और पिच के बारे में यहाँ पे जो डिटेल्स होती है ना, जो मैं पिच को देख के एकदम लाइव, जो फ्रेश पिच होती है, एकदम लेटेस्ट फोटोज आती है, वो देख के और अच्छे से अपन पता कर सकते हैं पिच कैसी दिखती है। मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा अपडेट्स। अब देखो जो है वेन्यू, पिच रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पिच रिपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो अपना एकना क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर दो तरह की पिच होती है, एक होती है काली मिट्टी की पिच, एक होती है लाल मिट्टी की पिच। अगर आप ध्यान से देखो, जो यहाँ पर 4 से 5 पिचेस होती है स्क्वायर के एक एंड की तरफ, मतलब आपको पता है एक स्टेडियम में एक पिच होती नहीं, बहुत सारी पिचेस होती है, तो एक तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है लाल मिट्टी की पिच, जैसे सारी रेड सॉइल पिच है, और इस तरफ की जो सारी पिचेस है ना, ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पे ब्लैक सॉइल की। तो देखते हैं इस गेम में क्या होता है। लास्ट गेम के अंदर इन्होंने ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल किया था, तो हाई चांसेस है इस मैच के अंदर रेड सॉइल का इस्तेमाल करें, और जब रेड सॉइल के बीच में मैच होता है तो बाउंस देखने को मिलता है और वहां पे बैटर्स को हेल्प मिलती है, बॉल अच्छी गति से बैट के ऊपर आती है। अगर ब्लैक सॉइल पे मैच हुआ, काली मिट्टी वाली पिच पे मैच हुआ, तो पिच धीमी रहेगी और बॉल उड़ेगी नहीं और स्पिनर्स गेम में आ जाएंगे, वहाँ पे स्पिनर्स की बॉल ग्रिप करेगी। कई बार क्या होता है बैटर जल्दी शॉट खेल देते हैं और वहां पर बॉल फंस के आती है और रुक के आती है, तब स्पिनर्स को विकेट मिलते हैं वहां पे। ये देखो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, ये है भाई साहब ब्लैक सॉइल की पिच, ये आप देख रहे हो, जब यहाँ पे RCB के अगेंस्ट हुआ था तो भी यहाँ पे ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल किया गया था, और ये आप देख रहे हो ये वाली पिच की फोटो, ये है रेड सॉइल की। इस पिच पे ग्रास दिखती है क्लियरली विजिबल और लाल मिट्टी का पे निशान दिखता है अगर आप ध्यान से देखो तो। ये रेड सॉइल की पिच है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ फर्क क्या होता है। ये देखो आप, जब यहाँ पर काली मिट्टी वाली पिच पे मैच खेला जाता है तो पिच में इतना बाउंस होता है, देख रहे हो आप, रेड कलर की आपको फोटो दिख रही है इतना, और जो ब्लू कलर की आपको बॉल दिख रही है ऊपर, यह है रेड सॉइल का पिच का बाउंस। एकदम इजीली मैंने आपको ग्राफिक्स के थ्रू समझाया, कोई टेंशन नहीं है। और आप ये भी देखो दोनों पिचेस में क्या फर्क होता है, मैं समझाता हूँ। एक बॉलर बॉलिंग डाल रहा है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड यहाँ पर देखने को मिलती है, अगर एक बॉलर डालता है 126 किलोमीटर ब्लैक सॉइल के ऊपर, रेड सॉइल पे 133 किलोमीटर पर आवर्स की वहाँ पे स्पीड देखने को मिलती है एक बॉलर अगर सेम स्पीड से बॉलिंग कर रहा हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाउंस डिफरेंस एट पिचेस क्लियरली आप देख सकते हो, 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल वाली पिच के अंदर।
और ये स्टेडियम का पूरा व्यू देख लो आप, सामने की बाउंड्री 77 मीटर होती है, ये देखो आप खुद समझ जाओगे। इस तरफ की सारी पिचेस क्या है, रेड सॉइल की है, इस तरफ की सारी ब्लैक सॉइल की। आपको देखो तो व्हाइट कलर की शाइन दिखेगी पिच के ऊपर, इस तरफ हल्का सा रेडिश कलर दिखेगा, हल्का सा रेडिश कलर, तो ये क्लियरली पता चल जाता है कौन से पिच है कौन से नहीं है। स्क्वायर बाउंड्री 71 मीटर है और 63 मीटर यहाँ पे होती है। अब चलते हैं किसकी तरफ, ये स्टेडियम का पूरा व्यू है, बड़ा ही खूबसूरत है, मैदान है, लखनऊ के नवाब होंगे यहाँ पे, मुंबई के कह सकते हो आप यहाँ पे शुरूर के सामने, मुंबई में भाई सब तगड़े बंदे होते हैं, द कैपिटल कह सकते हो आप जो इंडिया का है, कहीं कुछ लोग कहें दिल्ली है, ऐसा मैं फाइनेंशियल कैपिटल की बात कर रहा हूँ। तब देखो यहाँ पे जो लास्ट मैच था 1 मई को हुआ था, LSG वर्सेस RCB के बीच में गेम था, वो मैच बड़ा ही रोमांचक था, उसमें जो टीम पहले बैटिंग करती है 126 बनाती है 9 विकेट गवा के, फिर जो टीम चेस करने आती है यहाँ पे 108 बनाती है, लखनऊ चेस नहीं कर पाती, 127 का टारगेट। उस मैच में सबको पता है क्या हुआ था 1 मई को, गौतम गंभीर वर्सेस नवीन उलक, मतलब दोनों साथ में थे, विराट कोहली के साथ उनकी जंग हो गई थी, भाई साहब बहुत तगड़ा गेम था वो। फिर उससे पहले 135 बना, GT का गेम था यहाँ पर, लखनऊ 128 बनाती है, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम था जिसके अंदर 32 बॉल में 30 रन चाहिए था, चेस ही नहीं हुआ। उससे पहले 159 बना, टारगेट चेस हो गया, 3 बॉल रहते, 121 बना टारगेट यहाँ पे, 4 ओवर शेष रहते चेस हुआ, 193 बना टारगेट यहाँ पर चेस नहीं हुआ। अब देखो इस वनी के ऊपर LSG ने टोटल अभी तक 5 मैच खेले, वैसे 6 मैच होने चाहिए पर पिछला मैच इनका अगेंस्ट चेन्नई अबॉन्डेंट हो गया था, नो रिजल्ट था वो गेम, तो LSG ने यहाँ पे 5 मैच खेल के 2 मैच जीता। मुंबई इंडियंस इस वनी पे पहली बार खेलेगी, ओवरऑल 20 गेम्स के अंदर इस वनी के ऊपर 9 मैचेस बैटिंग फर्स्ट, 11 मैचेस चेस करते हुए जीते गए हैं। LSG का होम ग्राउंड है और इस वनी के ऊपर प्रति ओवर 8 के आसपास रन बनते हैं, और इस वनी के ऊपर जो लास्ट मैच हुआ था कौन सा हुआ था, LSG वर्सेस RCB, 7 विकेट पेसर का था, 9 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स का था। अब यहाँ पे विकेट कॉलम को समझो, आपकी टीम वैसे ही बन जाएगी। लास्ट 10 मैच के अंदर इस वनी के ऊपर पेसर्स ने, तेज गेंदबाजों ने 74 विकेट्स निकाला है, स्पिनर्स ने यहाँ पे 67 विकेट निकाला है। अब इनिंग्स वाइज समझता है और डिटेल्स में चलता है, तो अब देखो फास्ट बॉलर्स ने पहली पारी में 42 विकेट निकाला है और दूसरी पारी के अंदर 32 विकेट निकाला है। पेसर टाइप समझो, किस टाइप के पेसर्स विकेट निकालते हैं, राइट आर्म पेसर 53, लेफ्ट आर्म पेसर 21 विकेट्स है। स्पिनर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा साइड उठता हूँ, तो आप देखो स्पिनर्स ने यहाँ पे 67 विकेट निकाला है, पहली पारी में 37, दूसरी पारी के अंदर 30 है, टॉप स्पिनर्स का 9, लेग स्पिनर्स का 25 है, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 4 है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 29 विकेट है। अब मैं आपको यहाँ पे पिच की फोटोज दिखाई चुका हूँ, मैंने समझा भी दिया कौन सी पिच होती है, मेरा 5 से 6 मिनट तो पिच में चला जाता है, इतना मैं किसी प्लेयर के स्टैट्स पे फोकस नहीं करता, पिच रिपोर्ट आपका गेम बनाती है, मैं याद रखूँ पिच रिपोर्ट समझ गए टीम वैसे बन जाती है ऑटोमेटिकली, आपको खुद लगेगा यार हाँ यार ऐसा हो सकता है पिच के ऊपर ये होगा, तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो टीम कैसे बनानी है, गेम समझ सकते हो आप, एवरेज स्कोर भी समझ जाओगे। रेड सॉइल पे 170-180 बनता है, ब्लैक सॉइल पे 140 के आसपास यहाँ पे स्कोर बनता है। न्यूज की बात है, कोई बड़ी न्यूज नहीं है, दोनों टीम्स ने आपस में 2 मैच खेला, दोनों लखनऊ जीती है, शॉकिंगली बड़े शॉकिंग स्टैट्स है, मुंबई देखते हैं उस मैच में क्या करती है। डीकॉक ओपन करेंगे, एक्सप्लेयर है मुंबई का, तगड़ा बैटर है ये, लेफ्ट हैंडेड बैटर्स को करेक्ट कर लेना है, डिजाइनर ने इसको राइट ही बैटर लिख दिया है, सब जानते हैं डीकॉक लेफ्टी है। काइल एमर्स है, प्रेक मैनखड़ जिनके ऊपर पिछले मैच में हैदराबाद फैंस ने बॉटल फेंकी थी और इस भाई साहब ने वहाँ पे बिल्कुल चिल्लाया नहीं, शांत रहा, मैच में बैटिंग करके आता है। फिर वहाँ पे जो उनके कोच थे फील्डिंग वाले जॉन्टी रोड्स, वो कहते हैं भाई साहब हमारे प्लेयर के साथ बस सुलूकी हुई इस मैच में, प्रेक मैनखड़ के ऊपर बॉटल फेंकी गई थी, वो कुछ नहीं बोला बेचारा, उसने मैच में दिखाया भाई मैं क्या हूँ, उसको और गुस्सा आया, आग लगी भाई बंदे के अंदर कि भाई मैं क्रिकेटर हूँ आप मेरे पे बॉटल कैसे फेंक सकते हो, पूरी जनता पे वो कर रही थी, विराट कोहली हैदराबाद के डगआउट के ऊपर बॉटल फेंक दी, किसी ने क्या कर दिया, तो बहुत खराब दृश्य होते हैं क्रिकेटिंग के अंदर ये। मार्कस टोनी, पूरन है, कुरनल पांड्या, आयुष भदौनी, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मोहसिन खान, यश ठाकुर। अब यहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर आपको अमित मिश्रा ही दिखेंगे मोस्टली 90%, या फिर यहाँ पे कोई और भी आ सकता है मूड हुआ तो। मुंबई इंडियंस स्लो ट्रैक रहा तो फिर आपको यहाँ पे पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय दिख सकते हैं इस गेम में, इवन ऋतिक शौकीन भी आ सकता है फिर तो, आकाश मधवाल को हटा के लोग चाहे तो। अब देखो यहाँ पे रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपन करेंगे, कैम ग्रीन आजकल वन डाउन आ ही नहीं रहे, सूर्य वन डाउन आते हैं या फिर नेहल वधेरा आते हैं, तिलक वर्मा वो अभी तक अनफिट है, टिम डेविड है, क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला, फिर आपको यहाँ पे दिखते हैं आकाश मधवाल, जैसन बेरेंडॉफ। अब चलते हैं यहाँ पे कुमार कार्तिकेय इंपैक्ट प्लेयर होना चाहिए 90%। अब देखो
इस गेम के अंदर फिर से आपको 50,000 रुपये का गिव अवे देखने को मिलेगा। अभी जो विजन 11 ऐप है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो आप जाइए यहाँ पे खेल के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। फ्री के अंदर 50,000 रुपये का गिव अवे है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, टीम्स पावर प्ले में कैसा बैटिंग करती है। ये मैच है मुंबई इंडियंस का, इन्होंने 12 मैचों के अंदर 16 विकेट दिया है पावर प्ले के अंदर, और ये मैच किसके अगेंस्ट है, लखनऊ। लखनऊ ने 12 मैच में 17 विकेट दिया, दोनों टीम की एक जैसी कंडीशंस है, और लेट्स सी कैसे इनके ओपनर्स खेलते हैं इस गेम के अंदर। मिडिल फेस की बात करें, लखनऊ जैसी कोई टीम नहीं है, 12 मैच में 33 विकेट मिडिल फेस में गवाया है, बहुत विकेट गवाते हैं। मुंबई की बात करें सबसे नीचे है, 12 मैचेस में 24 विकेट है। रीजन बहुत सिंपल है, मिडिल फेस मुंबई के पास है निहल वदेरा, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है, फिर इनके पास है सूर्य कुमार यादव, फिर इनके पास आता है कौन भाई, सब जानता है, वहां पर तिलक वर्मा अगर फिट हो गया तो वो आ जाएगा। तो इनके पास जो मिडिल ऑर्डर है ना, बहुत ही सॉर्टेड लग रहा है मेरे को मुंबई का ये सीजन। मुंबई इंडियंस के नाम है स्पेशली बैटिंग की बात करते हैं तो किसी टीम की, बॉलिंग में मानता हूं खत्म हो थोड़ी सी, बॉलिंग पे वर्क करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मुंबई इंडियंस डेथ ओवर में कैसा खेलती है, 12 मैच में 29 विकेट गवाया है, 20 की औसत है, 182 का स्ट्राइक रेट है। ये मैच अगेंस्ट लखनऊ, लखनऊ जस्ट इनके दो नंबर ऊपर है, 12 मैचेस के अंदर 31 विकेट गवाया है, 16 की औसत है, 155 का स्ट्राइक रेट है। वही बात है, पूर्ण फॉर्म में रहे तो टीम अच्छा खेलती है, डेथ के अंदर आयुष बड़ोनी पे जिम्मेदारी होती है। बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें मुंबई का, आपको देखने को मिलेगा नीचे से, ये देखो आप 12 मैचेस के अंदर 15 विकेट निकाला पावर प्ले के अंदर, हर 29 बॉल में एक विकेट निकालते हैं पावर प्ले में। लखनऊ 11 इनिंग्स में 11 विकेट निकाल चुकी है पावर प्ले में, हर 6 ओवर के अंदर एक विकेट निकालते हैं पावर प्ले में, बहुत खराब नंबर से स्पेशली लखनऊ सुपर जायंट्स के पावर प्ले में विकेट निकाल ही नहीं पाते, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे रोहित शर्मा इस गेम में। लास्ट मैच में भी मैंने लिया था भाई को, बहुत अच्छा टच में था। अब देखो मुंबई इंडियंस मिडिल फेस के अंदर बॉलिंग से बहुत विकेट निकालती है, 12 इनिंग्स में 35 विकेट निकाला है मिडिल फेस के अंदर। पीयूष रावला जिस फॉर्म में चल रहे हैं भाई, क्या ही बोले उनके बारे में, इस सीजन में उन्होंने ज़्यादातर विकेट निकाले हैं स्पेशली ओवर 7 से 15 के बीच के अंदर फॉर द मुंबई इंडियंस। ये मैच है लखनऊ के अगेंस्ट, इन्होंने 11 मैच में 28 विकेट निकाला है, इसमें कुरनेल पांडे के ऊपर और रवि बिश्नोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये निकालते हैं हर 21 बॉल में एक विकेट, ये निकालते हैं 19 बॉल में एक विकेट मुंबई इंडियंस मिडिल फेस के अंदर। डेथ ओवर की बात करें तो लखनऊ डेथ ओवर में बहुत अच्छी टीम है, 11 इनिंग्स में 34 विकेट निकाला है, हर 10 बॉल में एक विकेट निकाल लेते हैं। मुंबई इंडियंस 12 इनिंग्स में 23 विकेट निकाल चुके हैं डेथ में, हर 14 बॉल में एक विकेट निकालते हैं। दिक्कत क्या है, क्रिस जॉर्डन का फॉर्म। चलते हैं प्लेयर के स्टैट्स की तरफ, तो डीकॉक का यहाँ पे 9 मैच के अंदर 195 रन है, 24 की औसत है, 121 का स्ट्राइक रेट है, 820 के अंदर अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। बैट फर्स्ट 5 मैच में 69 रन है, पर चेस के ऊपर 42 की औसत है, 4 मैच में 126 रन है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं चेस के ऊपर। और डीकॉक का फॉर्म बहुत ही डिसेंट दिखा आईपीएल के टाइम भी, और जो सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका की, इन साउथ अफ्रीका अपन ने कवर करी थी पूरी सीरीज और बहुत अच्छे गेम्स गए थे वहाँ पे। काइल एमर्ट्स 6 मैच के अंदर 140 रन है, इस वैनी के ऊपर एक ही बार बड़ी पारी है 73 की, पिछले मैच में ड्रॉप भी किया था भाई को, 0 पॉइंट्स देके गया था, कोई खास पॉइंट्स दिए नहीं थे भाई ने। लेट्स सी कैसा प्रदर्शन आता है। प्रियक मानकड़ 64 नाबाद लास्ट गेम के अंदर, बहुत अच्छी पारी थी, समझदार पारी दिखी थी, एक मैच्योरिटी वाली पारी। मार्कस स्टोनिस हैट ट्रिक के अंदर 12 मैच में 121 रन, 132 का स्ट्राइक रेट, 12 विकेट हैं। ये मुंबई के अगेंस्ट बॉलिंग करना पसंद करते हैं, मैं जब आखिरी देख रहा था ईशान किशन को परेशान किया भाई ने, परेशान किया फिर इन्होंने रोहित को भी, तो ये पावर प्ले में बॉलिंग करने आ सकते हैं इस गेम में मार्कस स्टोनिस। चांसेस तो मुझे लग रहा है, मैं कोच होता तो पक्का इस गेम में मार्कस स्टोनिस को पहला या तो दूसरा ओवर दे देता, दूसरा पहला तो युधवीर सिंह डाल लेंगे मेरे को जितना लग रहा है। वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 56 रन 2 विकेट्स है, और पिछले मैच में 40 रन की पारी खेल के आ रहे हैं, बहुत अच्छी पारी थी। मैच सेट किया था हैदराबाद के ऊपर वो गेम था, पूरन प्रा 6 मैच के अंदर 123 रन है, 25 की औसत है, 158 का स्ट्राइक रेट है। और वीडियो आ रहा था भाई साहब इसका, पूरन का और फ्रेक वन कड़क, दोनों भाई साहब चम्मच से एक दूसरे को बिरयानी खिला रहे थे, तगड़े बंदे हैं। दोनों ने मैच सेट किया था लास्ट गेम के अंदर, 15-2-38 बैट फर्स्ट चेस के ऊपर, 44-24 अगेंस्ट मुंबई। वैन्यू के ऊपर ज़्यादा स्कोर नहीं किया, ब्लैक सॉइल वाली पिच का इस्तेमाल होता है, तो पूरन की वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर ब्लैक सॉइल पे मैच हुआ तो कुरनेल पांडे एक सुपरस्टार प्लेयर बन सकते हैं इस गेम के अंदर फिर से। 2 मैचेस में 3 विकेट अगेंस्ट मुंबई, और बेस्ट बॉलिंग फिगर आया था इस टीम के अगेंस्ट 3 विकेट का। वैन्यू के ऊपर 7 मैच में 6 विकेट 90 रन है, बॉलिंग फर्स्ट के अंदर 3 मैच में 5 विकेट हैं, 6 नंबर से भाई साहब इस बंदे के बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, याद रखना है इस वैन्यू के ऊपर बॉलिंग फर्स्ट करके फिर जब ये बैट सेकंड करने आते हैं तो रन भी करते हैं। आयुष भडोनी 2 मैच के अंदर हेड टू हेड में 14 रन है, वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 84 रन है, अच्छे टच में दिखा है। लास्ट टाइम जब मैच हुआ था यहाँ पे चेन्नई के अगेंस्ट 59 नाबाद की पारी खेली थी भाई ने।
रवि बिश्नोई 6 मैच के अंदर 7 विकेट्स है, इसका मैचअप देखना आप अगेन सूर्य कुमार यादव। आप कहोगे यार सूर्य को मैं ड्रॉप कर दूं क्या, आपका दिल कहेगा मैं कर देता हूं करके देखना। बॉल फर्स्ट 3 में 3 बॉल, सेकंड 3 मैच में 4 विकेट हैं, मेरे को इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहे हैं इस गेम में। लास्ट मैच में मार खा के आ रहे हैं, लास्ट 2 गेम से विकेट लस गए हैं, इनके अंदर भी आग लगी होगी अंदर, भाई मैं क्या कर रहा हूँ टूर्नामेंट के अंदर, मेरे को विकेट निकालना है, मेरे को सिलेक्ट होना है। आयरलैंड की सीरीज आ रही है अभी हाल ही में, उसमें देखना सारे जो यंगस्टर्स उनको मौका मिलेगा। वेन्यू के ऊपर 5 मैच के अंदर 7 विकेटें हैं, अच्छे नंबर्स हैं। आवेश खान हेड टू हेड नंबर शॉकिंगली बहुत अच्छे हैं, 7 का स्ट्राइक रेट है, 7 की इकोनॉमी है, 3 मैच के अंदर 8 विकेटें हैं, और उन्होंने रोहित शर्मा को 2 बार आउट किया, वो परेशान करते हैं उनको भी। 2 मैचेस में 5 विकेट है, बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड में 1 मैच में 3 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 3 मैचों में 2 विकेट्स हैं। यश ठाकुर 2 मैच में 1 विकेट अच्छा डालता है, ये दिन रात तो 3-4 विकेट निकाल जाएगा। मोहसिन खान का 1 मैच में 1 विकेट है, वेन्यू के ऊपर इसने नहीं खेला, करेक्ट कर लेना इसको, वेन्यू पे नहीं खेला। स्टैट्स मेरे को याद है, अगेंस्ट सीएसके खेला था पर इसकी बॉलिंग ही नहीं आई थी, उस गेम में बारिश आ गई थी। दीपक निवास हुड्डा भाई यार बहुत बुरा लग रहा है इनको देख के, जो इनका रिसेंट फॉर्म रह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, इंडिया के लिए इसने शतक भी बनाया हुआ है T20 के अंदर, लेट्स सी। नवीन भाई के स्टैट्स है, करुण नायर के, मनन वोरा, युद्धवीर सिंह आ सकता है, 1 मैच में 2 विकेट है। भाई मिश्री वही खेलेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम के अंदर, बहुत अच्छे मैचअप्स हैं, इन्होंने परेशान सबको किया है, आप देखना भी थोड़ी देर में। 22 मैच में 25 विकेट्स है और वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 4 विकेट हैं, बहुत अच्छे नंबर्स इसके हेड टू हेड वेन्यू के ऊपर। स्टार्टिंग ओवर आपको डालता हुआ दिखता है यहाँ पे, आवेश मोहसिन खेलते हैं, तो पिछले मैच में मोहसिन को मौका नहीं मिला, मोहसिन को मौका देना चाहिए, सुपरस्टार प्लेयर बन सकता है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, लेफ्ट आर्म पेसर, वैरायटी लाता है। युद्धवीर सिंह डालेगा मोस्टली मुझे लग रहा है, पिछले गेम में देखो क्या हुआ था, इसी से आप समझ जाओगे। आवेश का 5वां 19वां था, बिश्नोई का 10वां 12वां था, स्टोनिस का 15वां, कुरनल पांडे का, स्टोनिस लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया था, सेकंड लास्ट का था वो, कुरनल पांड्या 4था 13वां 15वां 17वां, यश ठाकुर का 4था 6वां 18वां 20वां, मिश्री बॉय 7वां 9वां 11वां 16वां, और युद्धवीर सिंह का 1ला 3रा 8वां था, काइल एमेट्स का 2रा था। अब चलते हैं यहाँ पे किसकी तरफ, जो मुंबई की टीम है, पल्टन, रोहित शर्मा 2 मैच में 45 रन है, टुडे के अंदर 6 और 39 चेस के ऊपर है। इस वेन्यू के ऊपर भी भाई ने बहुत खूब खेला है, 2 मैच में 155 रन है, 167 का स्ट्राइक रेट है। फिर आते हैं, शतक भी बनाया था भाई, 111 नाबाद की पारी 44। ईशान किशन तगड़ा बैटर है, 2 मैचेस में 21 रन है, टुडे के अंदर वेन्यू के ऊपर कमाल के नंबर है भाई साहब, 6 मैच में 246 रन है, 132 का स्ट्राइक रेट है। रेड सॉइल पे मैच हुआ, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो कैप्टन कर सकते हो, कुछ टीम्स के अंदर 61 की औसत है। बैटिंग फर्स्ट 89 12 102 नाबाद, जिसके ऊपर 24 और 19 है, पिछले 2-3 मैचेस अच्छे टच में दिख रहा है, बड़ी पारी पेंडिंग है। कैम ग्रीन हेड टू हेड वेन्यू पे नहीं खेला और ये ट्रैक इनको शायद सूट ना करे, लग तो ये रहा ड्रॉप कर सकता हूँ ब्लैक सॉइल पे गेम बात हो। सूर्य कुमार यादव का 2 मैच में 44 रन है, एटवर्डी के अंदर 7 और 37, वेन्यू के ऊपर 26 नाबाद 31 गेंदों में बनाया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो सीरीज आपको याद होगी, सैटनर के खिलाफ इन्होंने मेडन ओवर खेला था, खत्म विकेट था पूरा वहाँ पे। तिलक वर्मा का 2 मैच में 64 रन है, एटवर्डी में अच्छे नंबर है, 26 एंड 38। टिम डेविड एटवर्ड वेन्यू नहीं खेला, इस वेन्यू पे नहीं चलना चाहिए अगर ब्लैक सोल की पिच भी, तो याद करो इनका वीडियो आया था अगर आपने ध्यान से देखा हो, जब चेन्नई के अंदर मैच था इनका तो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, इनकी एक भी बॉल मिडल नहीं हो रही थी चेन्नई के अंदर नेट प्रैक्टिस के अंदर, और उसी मैच के अंदर ये आते हैं और आउट भी हो जाते हैं जल्दी 2-3 बॉल के अंदर ही। नेहल वदेरा भी एटवुड नहीं खेला, जॉर्डन नहीं खेला, वेन्यू पे भी नहीं खेला चावला, जी हाँ बड़े शॉकिंग शॉट से चावला इस वेन्यू पे नहीं खेला, आकाश मधवाल, बैरनडॉफ, विश्वनाथ कोई एटवुड नहीं खेला, कुमार कार्तिक लोकल बॉय है, ये अपना इसी का लड़का है, क्या बोलते हैं यूपी का लड़का है कुमार कार्तिक है, तो लेट्स सी कैसा प्रदर्शन देते हैं अपने होम ग्राउंड के ऊपर। रेल मेडिस का 2 विकेट है ऐसे हेड टू हेड के अंदर, स्टार्टिंग ओवर आपको डालता हुआ दिखेगा, बैरनडॉफ, पीयूष चावला, आकाश मधवाल, नेत्र के अंदर कैम आई मीन जस क्रिस जॉर्डन, बैरनडॉफ, आकाश मधवाल। पिछले मैच में बैरनडॉफ का 1ला 3रा 5वां 15वां था, पीयूष चावला का 7वां 9वां 11वां 13वां, कैम ग्रीन का 18वां था, क्रिस जॉर्डन को 19वां 17वां 10वां 6वां, मधवाल का 2रा 4था 12वां 16वां था, कुमार कार्तिक का 8वां 14वां 20वां था। अगर इस मैच में ब्लैक सोल पे मैच होता है तो 4 ओवर पूरे डालने चाहिए। मैचअप्स तो क्विन डीकॉक वर्सेस जॉर्डन 85 बॉल 108 रन, 4 बार आउट किया, 4 बार पहली बारी के अंदर, वही डेथ ओवर वाला बॉलर है, जॉर्डन आउट कर सकता है फिर से, चावला ने परेशान किया है। लास्ट गेम आई थिंक मैं मरकंडे ने डीकॉक को चलता गया जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है इतने सारे मैच देखते हैं और दिमाग से कई बार चीज़ें निकल जाती है, तो इस गेम में शायद फिर से आए लेक्सनर विकेट निकाल जाए। चावला 13 बॉल लॉरेन 1 बार आउट किया है, काइल एमेट्स के सामने तो ऑफ स्पिनर ले आओ विकेट दे ही देगा, तो टिम डेविड बॉलिंग करने आ सकता है, स्टब्स खेलता तो वो बॉलिंग करने आ सकता है मूड हुआ तो। ब्रेक मनकर्ड, आयुष भदौनी वर्सेस मेरेडिथ 4 बॉल 9 रन,
निकोलस परा कोई खास मैचअप नहीं है। मार्कस स्टोइनिस वर्सेस क्रिस वार्डन बहुत तगड़ा मैचअप है भाई साहब, 52 बॉल के अंदर 125 रन मारा है और एक भी बार आउट नहीं किया, मतलब सोचो क्या हालत होगी अगर क्रिस जॉर्डन डेप्थ में बैटिंग करते हैं, मार्कस स्टोइनिस डेप्थ में बैटिंग करते हैं और क्रिस जॉर्डन वहाँ पे दो डालने आते हैं तो भाई साहब मार्कस स्टोइनिस साढ़ा फिर चलेगा। मनन ओरा वर्सेस चावला 14 बॉल 19 रन, कुरनल वर्सेस पीयूष चावला 28 बॉल 52 रन एक बार आउट किया हुआ है। अब देखो रोहित शर्मा और अमित मिश्रा की कहानी चलेगी यहाँ पे, अब अमित मिश्रा आपको हर लिस्ट में दिखेंगे। रोहित शर्मा वर्सेस अमित मिश्रा 7 बार आउट किया अमित मिश्रा ने रोहित शर्मा को, 91 बॉल में 87 रन दे के 6 बार तो पहली पारी में आउट किया है। आवेश ने 2 बार आउट किया 13 बॉल के अंदर 11 रन दे के। स्टोनिस ने 3 बार आउट किया 98 बॉल में 108 रन दे के। ईशान किशन वर्सेज मार्क स्टोनिस 33 बॉल 45 रन 2 बार आउट किया दोनों बार दूसरी पारी के अंदर, और अमित मिश्रा ने 3 बार आउट किया 8 बॉल में सिर्फ 8 रन दे के, 2 बार तो पहली पारी में किया है। सूर्या वर्सेस बिश्नोई 3 बार आउट किया हुआ है सूर्या को बिश्नोई ने 20 बॉल में 23 रन देखे, बहुत अच्छा मैचअप है ये भी। फिर आते हैं यहाँ पर टिम डेविड वर्सेस काइल मर्स 2 बॉल 6 रन एक बार आउट किया है। डैनियल सैम्स ने 20 बॉल में 25 रन देखे एक बार आउट किया हुआ है। डेविड ब्रेविसेस कोई खास मैचअप नहीं है खेलते हुए शायद आपको ना देखे। लेग स्पिन थ्रेड देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये मैच है किसका, लखनऊ का और मुंबई का, दिस आर द टू फाइनेस्ट टीम ऑफ द लेग स्पिन कह सकता हूँ। लेग स्पिन को बहुत अच्छे से खेलते हैं। मुंबई इंडियंस ने 9 मैचेस के अंदर 9 इनिंग्स में, मैच नहीं होगा 9 इनिंग्स के अंदर 14 विकेट दिया है लेग स्पिन को। लखनऊ ने 9 इनिंग्स में 10 विकेट दिया है लेग स्पिन को। दो टीम्स ऐसी जो लेग स्पिन को अच्छा खेलती है, लेट्स सी कैसा गेम जाता है। लेफ्ट आर्म पेसर वर्सेस लखनऊ दिक्कतें होती हैं, 7 इनिंग्स में 15 विकेट दिया है, ये देखो आप ये ऊपर वाला 7 इनिंग्स में 15 विकेट दिया है तो यहाँ पे बरंडॉफ का रोल हो सकता है। मुंबई से देखो तो 7 इनिंग्स में 12 विकेट दिया लेफ्ट आर्म पेसर्स को। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन का थ्रेड देखें तो कोई खास नहीं है, ऑफ स्पिन का थ्रेड देखें तो रहा है लखनऊ के ऊपर, और सामने काइल एमर्स भी ऑप्शन के सामने फंसते हैं तो ऋतिक शौकीन के चांस बनते हैं तो टीम में बनते हैं वो। अब देखो यहाँ पे 50,000 रुपये का गिव अवे, साइन अप कर लो क्या जाएगा आपका, और 500 रुपये आपको मैं फ्री में देता हूँ साइन अप बोनस का, ठीक है। किसी और के लिंक के थ्रू करोगे तो आपको 100 या तो 200 रुपया मिलता है, यहाँ पे कितना मिल रहा है 500 रुपये साइन अप बोनस मिल रहा है। और मैं सेकंड इनिंग्स फैंटेसी यहाँ पे कवर करूंगा जो बहुत अच्छी फैंटेसी होती है, जिसके अंदर आप पहले इनिंग्स देख के पता कर सकते हो कि सेकंड इनिंग्स में पिच कैसे बिहेव करेगी, गेम कैसा जाएगा, तो आप वहाँ पे सेकंड इनिंग्स फैंटेसी बना सकते हो पूरी। और इसमें देखो जीरो कमीशन कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है, 100 रुपीज एंट्री फीस होगी और 7 लोग खेलेंगे, 7×7 कितना होता है 700, इन्होंने यहाँ पे 1 रुपये कमीशन नहीं लिया, तो ऐसा कॉन्टेस्ट भी यहाँ पे लाइव होता है। एंट्री फीस सबसे कम है, कंपेयर करके देख लेना, रेफर कोड स्टैट्स जू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कॉमन कैप्टन कोहनी डीकॉक कुणाल पांडे होंगे मेरे, बड़े लीग में बनाओ मार्कस स्टोइनिस सूर्य कुमार फंस सकते हैं स्पेशली बिश्नोई के सामने स्ट्राइक के ऊपर, लास्ट टाइम भी स्ट्राइक के ऊपर बहुत डिफेंसिवली खेला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ईशान और रोहित को भी ट्राई कर सकते हो, दोनों के नंबर 6 वाने पे बहुत अच्छे रहे और नई गेंद से बैटिंग करना फिर थोड़ा सा ईजी होता है। 1 मिलियन का मिशन है, देखते हैं कब पूरा होता है भाई, सहयोग करो। मोबाइल ऐप और वेबसाइट है statsuu.com, आप जाके स्टैट्स चेक कर सकते हो फॉर द रिविजन। तो यहाँ पर कैप्टन मेरे कुरनिल पांड्या, वाइस कैप्टन आपको यहाँ पे क्विंटन डीकॉक देखेंगे, ईशान किशन टीम के अंदर सूर्य दादा रोहित शर्मा कैम ग्रीन मार्कस स्टोइनिस पीयूष चावला रवि बिश्नोई अमित मिश्रा कुमार कार्तिक है, भाई क्या टीम बनाई है भाई साहब आपने, ये 4-4 तो अपने स्पिनर्स ले रखे हैं, कैम ग्रीन भी ऊपर से लिया हुआ है, ये क्या टीम है। तो भाई साहब वही बात है, पिच बहुत मैटर करेगी इस गेम के अंदर, जैसी पिच वैसी टीम बनने वाली है इस गेम में। मैं शायद कैम ग्रीन को भी ड्रॉप कर दूं अगर यहाँ पे ब्लैक सॉइल पे गेम होता है, किसी और प्लेयर को ले लूंगा। लेट्स सी इस गेम में क्या होता है, स्पेशली पिच का वेट करना, मैं टेलीग्राम पे पिच रिपोर्ट दे देता हूँ, जाके ज्वाइन कर लो, या फिर आप भी यार इतना दिमाग लगा सकते हो पिच की फोटो देखो और क्लियरली समझ आओ पिच कैसी है। क्या करो, IPL.com करके वेबसाइट है IPL की, ठीक है, उस पर जाओ, लेटेस्ट वीडियोस में जाया करो सेक्शन वाले में, और मैच की डेडलाइन से 15-20 मिनट पहले, डेडलाइन ही टॉस से 15-20 मिनट पहले, 7 बजे टॉस होगा तो उससे 15-20 मिनट पहले आप जाके यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली पिच रिपोर्ट आ जाती है, वीडियो आ जाता है पिच रिपोर्ट का, तो वहाँ पे बता देते हैं कौन सी पिच है कौन सी पिच नहीं है, ठीक है। तो वही है, स्मार्ट बनो यार, मजे हैं फिर फैंटेसी के अंदर। ईशान किशन डीकॉक दोनों इंपॉर्टेंट है, पूरन प्रा को ट्राई कर सकते हो, वही मैंने समझाया ब्लैक सॉइल पे गेम हुआ तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, पर जो बॉलिंग अटैक है फिलहाल मुंबई का खत्म है पूरा, देख लो आप जाके क्या दिक्कत है। लास्ट मैच में खान साहब 70 मार के गया था 79 नाबाद, उसमें 10 छक्के शामिल थे, आई थिंक क्रैम्प आया था पाँव में, तो भी भाई मर मर के मारा था उस बंदे ने वहाँ पे, सोचो आप, ठीक है, एकदम तगड़ा धोया था वहाँ पे। सूर्या इंपॉर्टेंट है, दिखा दिया क्या मुंबई की बॉलिंग अटैक है इस साल, खत्म है पूरा यार, बैटर वही है 250 रन बनाते हैं तब जाके टारगेट डिफेंड होता है। सूर्या यहाँ पे क्रिस जॉर्डन का मीम्स है, देख रहे अगले मैच में भाई आप 250 तो 300 बना लो तभी मेरे से बॉलिंग कराओ, वरना बॉलिंग में करूँगा नहीं, देख लेना ऐसा कुछ आने वाला भी।
सूर्या है, वैसे अच्छा बॉलर है, मैं जस्ट फॉर फन कह रहा हूँ, सूर्या इंपॉर्टेंट है। काइल एमर्स आपका कॉल रहेगा, हर गेम में मैं ड्रॉप करता हूँ, आईपीएल में मेरा ट्रेंड चल ही रहा है, जब सामने कोई वीक बॉलिंग अटैक हो नई गेंद से तब आप ले सकते हो, स्पेशली इस गेम में काइल एमर्स अच्छा कर सकते हैं, बेरेंडोफ के सामने थ्रेट रहेगा कि बेरेंडोफ इनको चलता कर सकते हो। रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट है, वधेरा ट्राई कर सकते हो, तिलक वर्मा के लिए तो ट्राई कर सकते हो, डेविड थोड़े से रिस्की रहेंगे, वधेरा की तरफ मैं देख सकता हूँ इस गेम के अंदर। चलते हैं ऑलराउंडर में, मार्कस स्टोइनिस इंपॉर्टेंट है, कैम ग्रीन का पिछले दो तीन मैच से कोई रोल नहीं रह रहा, आप खुद देख लो पिछले तीन या चार मैच से फ्लॉप चल रहा है, रीजन क्या है, रीजन सिंपल है आपके सामने, बैटिंग ऑर्डर इसका नीचे चला गया है। कुरहल पांडे इंपॉर्टेंट, ब्रेक मैनको ग्रैंडिंग में रोटेट करो, यहाँ से मिशी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिश्नोई मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगे, यहाँ से चावला इंपॉर्टेंट लगे, कुमार कार्तिक है तो बेरेंडोफ में से किसी एक को मैं लेके जाऊंगा, लेट्स सी गेम कैसा जाता है। आवेश खान ग्रैंड लीग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और क्रिस जॉर्डन बॉल फर्स्ट के अंदर, साइमल्टेनियसली यश ठाकुर बॉल फर्स्ट के अंदर, तो देखते रहिए स्टैट्स विद द लिंक ऑफ द टेलीग्राम, चल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया, और चैनल पर नहीं तो भाई क्या करना है, एक ही काम करना है, सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो और कमेंट कर दो वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या यहाँ पे पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स, आप ये भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि वही कहता है द मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर ब्रिंग्स द वैरायटी एंड द ब्रिंग्स द चेंजेस, जो अपन कहते हैं उसी से अपन सीखते हैं लाइफ के अंदर। सी सून, जय हिंद।